स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो की आपकी थर्मल फिजिक्स। एंड इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप्स। तो इसमें बच्चा जो मैंने आपको टॉपिक कवर कराए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एंड आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले ये भी आपका बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक हम कौन सा कवर करेंगे आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? जूल थॉमसन इफेक्ट। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछ लिया जाता है इसका ओनली स्टेटमेंट भी। और जूल थॉमसन का कोफिशियंट होता है बच्चा आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए। तो मेनली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका आइडियल गैस के लिए ही पूछा जाता है, तो हम उसी के लिए कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको करने से पहले आप सभी का एक कंफ्यूजन दूर कर दूं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और आप लोग मुझे लग रहा है स्टार्टिंग का इंट्रो नहीं देखते या फिर इसको अवॉइड करते हो, जो भी बात है। मैं आपको हमेशा ये बोल रही हूँ कि आपको जो कराया जा रहा है, जिन भी स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं एमएसयू यानी कि मास आकुमरी यूनिवर्सिटी से, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, उन सभी का एक ही कमेंट है, दी हमारे तो ऑब्जेक्टिव होंगे, आप हमारी प्रिपरेशन क्यों नहीं करा रहे। तो बच्चा मैंने आपको बोल दिया है, सिलेबस आपको यही पढ़ना है जो मैं आपको कवर करा रही हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं करना। जो डेरिवेशन है आप उनको स्किप कर दीजिए, ओनली उनके स्टेटमेंट आपको लर्न रखने हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगी, बट उससे पहले आपको पूरी थ्योरी कवर करनी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपकी थ्योरी से ही बनते हैं। तो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना बच्चों, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पहले आराम से इसको पढ़िए, डेरिवेशन का प्रूफ अवॉइड करिए, ओनली स्टेटमेंट लर्न रखिए, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि बहुत ही कम लैंग्वेज में, दो तीन शब्दों में ही लैंग्वेज को निपटा देते हो। कई सारे ऑप्शन आपके सामने होते हैं और आपको बताना होता है कौन सा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसलिए ध्यान से समझा करो, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पहले आपको यही समझनी होगी, तभी आपके ऑब्जेक्टिव भी आपसे बनेंगे, अदरवाइज उनको भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट आखिर है क्या। तो देखो, अगर हम बात करें कि मान लिया एक कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, इसके अंदर हमने मान लिया क्या है, कोई भी गैस हमने क्या कर दी, फिल कर दी, जो कि कैसी है, वेरी हाई टेम्परेचर पे, कैसे है, कॉन्स्टेंट हाई प्रेशर पे। मान लिया जो गैस है ये क्या है, हाई प्रेशर पे, और इस पे मान लिया यहाँ पे ना कोई पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट मान लो इस टाइप से कर दो, और हमने मान लिया यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कोई भी पिस्टन लगाया हुआ है, या फिर आप इसको बोल सकते हो पोरस प्लग लगा हुआ है, कुछ भी आप नाम दे दो, मतलब कुल मिला के बात ये कि इससे कवर है, और इसके द्वारा ही क्या लगाया जा रहा है, इससे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा है, किस पे, इस गैस पे। तो अगर हम ये मान लें कि सपोज दैट जिस रीजन में हम ये ले रहे हैं, उस रीजन में हम क्या ले रहे हैं, जैसे कि ये गैस इस पोरस प्लग के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे है। लेकिन अगर सपोज दैट हम प्रेशर बहुत ही क्या कर दे, कम कर दे, बहुत ही ज्यादा लो कर दे, और कॉन्स्टेंट ले ले उसको, यानी कि एक नियत वैल्यू ले ले किसकी, प्रेशर की, और उस प्रेशर को बहुत ही ज्यादा कम ले, यानी कि कॉन्स्टेंट लो प्रेशर अगर हम देखें किसी भी रीजन में, तो उस कंडीशन में जो गैस के लिए टेम्परेचर होगा गैस का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जो टेम्परेचर में चेंज आएगा, इसको ही किसने बताया था, जूल थॉमसन ने बताया था, इसीलिए इस इफेक्ट को नाम दे दिया गया जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। अगर बात करें हाइड्रोजन और हीलियम की, दो गैस है आपकी हाइड्रोजन और एक है हीलियम, तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये क्या करती है बच्चा, ये क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट शो करती है, किस पे, अगर हम क्या लें, एबनॉर्मल टेम्परेचर लें, तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या करेंगी, हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी। बाकी इनसे अलग जो भी गैसेस अवेलेबल है वो सभी क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट शो करती है। और इसीलिए इस जो हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट था, इसके थ्रू जब इस बात को डिस्क्राइब किया गया, तो ये बोला गया कि ये जो इफेक्ट है, जिसके कारण क्या कि वेरी लो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो गैस का टेम्परेचर, उसमें जो चेंज आ रहा है, उसको ही बताया था जूल थॉमसन ने, और इसीलिए इस इफेक्ट को नाम दे दिया गया जूल थॉमसन इफेक्ट, कि कॉन्स्टेंट लो प्रेशर पे गैस का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, जो कि किसने दी थी, जूल थॉमसन ने दी थी। उसके बाद इन्होंने जूल थॉमसन का कोफिशियंट दिया था किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, वो कई बार पूछ लिया जाता है। मेनली अगर बात करें कि जो जूल थॉमसन कॉफिशियंट
कॉफिशियंट होता है फॉर आइडियल गैस वो होता है बच्चा जीरो। ये आपको माइंड में वैसे भी याद रखना है। और जो आपका रियल गैस के लिए उसको ओनली आपको स्टेटमेंट लिखा दूंगी ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता रहे, अदरवाइज प्रूफ वगैरह उसका ज्यादा मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको माइंड में याद रखना है। बाकी एक बार इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो मैं आपको नोट डाउन करा देती हूँ ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। सो देखिएगा यहाँ पे मैंने थ्योरीज की नोट करा दी। कैसे लिखोगे? सबसे पहले है जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या होता है जूल थॉमसन इफेक्ट? इफ अ गैस, यदि कोई भी गैस एट कॉन्स्टेंट हाई प्रेशर, जो कि किस पे? कॉन्स्टेंट हाई प्रेशर पे है, इज फोर्स, जो उस पे क्या लगाया जा रहा है, कोई भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है थ्रू अ पोरस प्लग। किसके द्वारा? पोरस प्लग द्वारा। एक्सपेरिमेंट टू अ रीजन, और एक्सपेरिमेंट किसमें हो रहा है? ऐसे रीजन में एट कॉन्स्टेंट लो प्रेशर, जो कि क्या है, उस रीजन का जो प्रेशर है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है, बहुत ही मतलब कॉन्स्टेंटली ले लिया कि कॉन्स्टेंटली लो प्रेशर है उस रीजन पे। ठीक है, सो देन टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंज इन दिस प्रोसेस। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, और इसी चेंज को क्या कहा गया, जूल थॉमसन इफेक्ट। सो दिस इज सेड टू बी जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, और इसको बच्चा एक और नाम दे देते हैं, कैल्विन थॉमसन इफेक्ट। तो याद रखना जूल थॉमसन इफेक्ट, और इसको क्या बोल देते हैं, कैल्विन थॉमसन इफेक्ट के नाम से भी ये आ जाता है। तो इसलिए घबराना मत, कभी एग्जाम में पता चले कैल्विन थॉमसन इफेक्ट की डेफिनेशन आ गई और आप लोग छोड़ के आ जाओ कि दी आपने तो ये दिखाया ही नहीं था। ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं, कैल्विन थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं, एक ही बात है। उसके बाद में एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एंड हीलियम शोज द हीटिंग इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कौन सी दो गैसेस? एक तो हाइड्रोजन एंड सेकेंड है हीलियम। ये दोनों क्या करती है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हीटिंग इफेक्ट शो करती है, जबकि वेयर एज ऑल अदर गैसेस शोज द कूलिंग इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बाकी सभी जो भी गैसेस हैं वो सभी क्या करेंगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी, किस पे? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द गैसेस शोज हीटिंग इफेक्ट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। नीचे चार पांच ऑप्शन होंगे तो आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, बाकी सभी क्या करेंगी, कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी। ठीक है, उसके बाद में आएगा जूल थॉमसन का कोफिशियंट आइडियल गैस के लिए। तो उसकी स्टार्टिंग यहां से करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, सपोज अ मोल ऑफ अ गैस हैविंग द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने क्या ले लिया, एक मोल ले लिया किसी भी गैस का जिसका इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनिशियल प्रेशर मान लिया P1 और इनिशियल वॉल्यूम क्या मान लिया, V1 मान लिया। आफ्टर पासिंग थ्रू द पोरस प्लग, जब इसको पोरस प्लग से पास किया जाता है तो उसके बाद में जो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम होगा किसका, गैस का, वो क्या हो जाएगा, P2 और V2 हो जाएगा। सो नाउ द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस, तो गैस के द्वारा जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा W, वो किसके इक्वल आ जाएगा, P2V2 - P1V1। आपको पता है W जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, P × V प्रेशर × वॉल्यूम के। तो इस बार फाइनल क्या है, फाइनल हमने क्या लिया, P2 प्रेशर और वॉल्यूम V2, इनिशियल क्या थे, P1 और V1 थे। ठीक है, तो P2V2 फाइनल में से इनिशियल वाले को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल कर क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन निकल कर क्या आ जाएगा, जो कि गैस के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो W इसके इक्वल आ गया। अब W के प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, U1 - U2। U1 और U2 क्या है, इंटरनल एनर्जी है। U1 क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी है गैस की, और U2 क्या है, फाइनल इंटरनल एनर्जी है गैस की एक्सपेरिमेंट के बाद की। तो वर्क डन क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी जो स्टार्टिंग में होगी, सीधी सी बात है, वो ज्यादा होगी, और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी पहले वाली से। दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो पार्ट, आपको एक बात बताओ, अगर आपको हीट इंजन याद हो, मैंने कहा तो उसमें क्या था कि कुछ हीट ले रहे हैं सोर्स से और हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी पार्ट किस में जा रहा है, सिंक में जा रहा है। तो सिंक में जो हीट का पार्ट गया वो उसमें से अगर हम क्या कर दें, जो सोर्स में हीट थी उसको सब्सट्रैक्ट
डिटेक्ट कर दे, तो हमें ये पता चल जा रहा था कि वो कौन सा पार्ट है हीट का जो कि किस में कन्वर्ट हुआ है, वर्क में कन्वर्ट हुआ है। तो यही बात है कि गैस की जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी एंड जो फाइनल इंटरनल एनर्जी आई है, तो उसका कुछ पार्ट बीच में वर्क में भी तो कन्वर्ट हुआ होगा भाई। इनिशियल एनर्जी है कुछ भी है, ठीक है, मान लो कोई भी इंसान है उसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी भरी हुई है, उसके अंदर काफी इंटरनल एनर्जी है। अगर वो किसी भी वर्क को करेगा तो सीधी सी बात है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, खर्च होगी। आपने सुना जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्या होती है, कैलोरीज बर्न होती है, तो वही वाली कंडीशन है कि उसकी जो एनर्जी है वो वर्क डन में चेंज हो गई। तो जो पार्ट वर्क डन में चेंज हुआ उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, इनिशियल वाले में से फाइनल वाले को सब्सट्रैक्ट करके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर क्या है, गैस की इनिशियल एनर्जी U1 है और फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेट वर्क डन निकल करके आ जाएगा। तो इसलिए W के प्लेस पे U1 माइनस U2 रख दिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इज इक्वल टू में ये वाली टर्म आ गई। और इन्हीं टर्म से क्या होगा, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। एक बार पहले यहां तक नोट कर लो। सो यहां से आगे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में ये वाली इक्वेशन आई थी, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो ये P1 V1 माइनस के इधर की साइड आगे कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो U1 है इधर की साइड, 1-1 वाली साइड यानी कि जो इनिशियल वाली टर्म्स है वो एक साइड लेके आ जाओ, फाइनल वाली एक साइड। तो ये इधर की साइड आएगा, क्या हो जाएगा, पी वन वी वन इज इक्वल टू में यहाँ पे टर्म क्या है, ये वाली यू टू माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। और इधर प्लस में कितना है, पी टू वी टू है, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो जब भी हमारे पास में हमें पता होता है कि क्या है, पीवी इज इक्वल टू हम अगर कॉन्स्टेंट मान लें, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम इसको पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू पी थ्री वी थ्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये वन टू इस फॉर्म में टर्म्स आ रही है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यू प्लस पी इंटू व्यू इज इक्वल टू में क्या मान लेंगे, कॉन्स्टेंट मान लेंगे। अब इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टेंट मान लिया हमने अपने पास से क्या एच, और ये क्या होता है यू प्लस पी वी, ये क्या होती है बच्चा, एंथैल्पी होती है, क्या होती है, एंथैल्पी। अभी ये सारे टर्म्स ना जो भी है, एंथैल्पी हो गया आपकी और भी बहुत सारे टर्म्स है, इंटरनल एनर्जी हो गया, इनको दोबारा से आपको शॉर्ट नोट में लिखाऊंगी, इनपे शॉर्ट नोट पूछ ले जाते तभी आपको कंप्लीटली डिफाइन कर दूंगी दोबारा से, ठीक है। तो U प्लस पी वी किसकी इक्वल होता है, एंथैल्पी कहलाती है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहां से देखो आपके पास में ये वाली जो टर्म आई है, सो U प्लस पी वी, ये किसके इक्वल आई है, कॉन्स्टेंट जो कि हमने क्या लेट किया है, H, इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो दोनों टाइम दोनों तरफ, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये टर्म आपको क्या मिल जाएगी, du प्लस p। एक बार देखो यहाँ पे ये एक तो फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो डिफ्रेंशिएशन कैसे कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। और h क्या है हमारे पास में, कॉन्स्टेंट टर्म है, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो। याद रखना जो भी मैथ्स वाले नहीं है, वैसे आपने 11th 12th तक पढ़ा ही होगा, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास में ये वैल्यू आई। अब एक बात बताओ, ये जो p इंटू डी वी है ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा डी डब्ल्यू के इक्वल नहीं होता, पढ़ा है आपने, W किसके इक्वल होता है, P इंटू वी, और dW किसके इक्वल होता है, P इंटू dV के। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देना, सिंस dW इज इक्वल टू P इंटू dV, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं dW प्लस V dP इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद हो, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये किसके इक्वल था, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था,
DU+GW ये किसके इक्वल था बच्चा, DQ के इक्वल था, नहीं था, यानी कि इंटरनल एनर्जी और जो नेटवर्क डन है उसका सम किसके इक्वल था, जो सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है उसके इक्वल। तो यहाँ से इसके प्लेस में हम DQ पुट कर सकते हैं, प्लस V into DP इज इक्वल्स टू जीरो। ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का, जो हमारे पास में टर्म होती है ds, ये किसके इक्वल होती है dq ओवर t के इक्वल होती है। तो यहां से अगर आप dq की वैल्यू निकालो तो ये किसके इक्वल आ जाएगी बच्चा, t into ds के इक्वल नहीं आ जाएगी। तो dq के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, t into ds, प्लस v dp इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक बार पहले यहां तक नोट करो, फिर इससे आगे करेंगे। सो यहां से आगे देखिएगा क्या लिखोगे आप, नाउ Take the entropy as a function of temperature T and pressure P. So, समझ जाओगे temperature T और pressure P, ठीक है। तो उस condition में जो entropy होगी वो हमारी किसका function होगी बच्चा, P और T का फंक्शन होगी, नहीं होगी। तो क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार कांस्टेंट ले लो क्या टेम्परेचर और एक बार कांस्टेंट ले लो प्रेशर। तो यहां से आके देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म क्या आएगी, ds इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो जब आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, p के रिस्पेक्ट में करोगे और t को क्या लोगे एट द कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो उस कंडीशन में डेल एस ओवर डेल पी आ जाएगा किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर p पे, और इनटू में कितना आ जाएगा dp। फिर प्लस साइन, इस बार क्या करोगे आप, इस बार कांस्टेंट लोगे प्रेशर और टेम्परेचर t के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो आपके पास में टर्म आएगी डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, इंटू में कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। सो एक काम करना है, इसको लाइट कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको लाइट कर लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब क्या करोगे, यहां से जो ds की वैल्यू हमने यहां पे निकाली उसको कहां पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ds इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू पुट करो ds के प्लेस पे तो टर्म कितनी आ जाएगी, t की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों टर्म्स में, डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर t into dp, प्लस इसमें भी t की मल्टीप्लाई करोगे डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट p into dt, प्लस में कितना है v into dp और इज इक्वल्स टू में कितना है जीरो। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ये दो टर्म्स लिखनी है, एक बार पहले यहां तक नोट कर लो। सो यहां से आगे देखिएगा, सिंस हमारे पास में एक वैल्यू होती है जो कि हमें पता है क्या होती है, dq, यानी कि जो सिस्टम को एनर्जी दी जाती है किसकी इक्वल होती है, t into ds, एंट्रोपी में चेंज इंटू टेम्परेचर, ठीक है। यहां से देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन कर दो टेम्परेचर t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर आप इस वाले टर्म का करोगे डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में और कांस्टेंट ले लो क्या प्रेशर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी टर्म, यहाँ से t का करोगे 1 और ds का करोगे तो कितना आ जाएगा ds/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो टर्म है dq/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, ये हमारी किसके इक्वल होती है स्पेसिफिक हीट के, और प्रेशर को क्या ले रखा है कॉन्स्टेंट, तो ये वाली टर्म हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी किसके cp के इक्वल। cp क्या है, स्पेसिफिक हीट है किस पे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 4। एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन पढ़ा होगा आपने मैक्सवेल का, फ्रॉम मैक्सवेल्स आपको 4 रिलेशन पढ़ाए थे थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो उनमें से एक रिलेशन क्या था, प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस का, तो उनमें से एक क्या था बच्चा, ds/dp एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल था, -k dv/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर।
प्रेशर इसके इक्वल था, इसको राइट कर लो इक्वेशन फिफ्थ। अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यूज आई है डीएस अपॉन डीपी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में, और यहाँ से ये वाली जो वैल्यू टर्म आई है डी क्यू ओवर डीटी एट प्रेशर टी, ये किसके इक्वल है इसके, इस वैल्यू को इसके प्लेस पे, तो इसका मतलब फिफ्थ और फोर्थ से ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू किसमें पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, क्या लिखना, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड में इनका यूज करेंगे। तो यहां से देखो टर्म क्या आएगी, टी डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में बचा, माइनस के डीवी ओवर डीटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, और इनटू में कितना है डीपी है, फिर प्लस इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो क्या आई है सीपी, तो कितना आ जाएगा सीपी इंटू डीटी, प्लस में कितना है वी इंटू डीपी, और इज इक्वल्स टू में क्या है जीरो है। यहां से इस टर्म प्लस के दूसरी साइड माइनस की दूसरी साइड जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो यहीं से कर रही हूं मैं डायरेक्टली, जब ये प्लस की हो जाएगी तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ टी इंटू डीवी ओवर डीटी एट प्रेशर पी इंटू डीपी, और ये तो प्लस की रहेंगी भाई, इंप्लाइज एट का साइन लगा लो, ये टर्म हमने मान ली उधर चली गई, तो ये दोनों तो पॉजिटिव ही रही, तो इज इक्वल्स टू में दोनों क्या रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी, तो यहाँ पे आगे टर्म सीवी डीटी प्लस वी इंटू डीपी। ठीक है, अब यहां से देखो क्या करोगे, सीवी एक सेकेंड, ये सीपी है बच्चा, यहाँ पे सीपी, ठीक है, अब यहां से आगे देखना जरा, देखो इसको सॉल्व कर लो, यहां से डीपी कॉमन ले लो, पहले यहां से आगे देखो ऊपर टी इंटू डीवी डीटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इंटू डीपी इज इक्वल्स टू, यहां से डीपी कॉमन लो एक बार, अगर आप डीपी कॉमन लेते हो तो अंदर आपके पास में टर्म क्या बचती है, एक काम करो ऐसे मत करो वरना प्रूफ नहीं हो पाएगा, यहां से देख लो एक बार अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ना सीपी इंटू डीटी, इसकी वैल्यू निकालो आप, सीपी इंटू डीटी की वैल्यू निकालो, ये टर्म इधर माइनस में है तो ये दूसरी साइड जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये वीडीपी इधर प्लस का है दूसरी साइड जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब यहां से आगे देखो सीपी इंटू डीटी किसके इक्वल आएगा, यहां से डीपी कॉमन लो, डीपी कॉमन लोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी टी डीवी ओवर डीटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी एंड माइनस के वी आ जाएगा। इस डीपी को यहां लेके आओ, इस सीपी को इसके अपॉन में लेकर के आओ, तो डीटी ओवर डीपी किसके इक्वल आएगा वन अपॉन सीपी इंटू टी डीवी ओवर डीटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी माइनस के वी। तो ये क्या आ गई हमारे पास में, डी लिख दो या फिर यहाँ पे आप इसको डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मर्जी आपकी है, एक ही बात है। ठीक है, तो डीटी ओवर डीपी किसके इक्वल आ गया, इस टर्म के इक्वल। तो जहां पर ये वाली जो वैल्यू है डीटी ओवर डीपी, ये क्या कहलाता है, जूल थॉमसन कोफिशियंट कहलाता है, क्या कहलाएगा, जूल थॉमसन कोफिशियंट, इसको ले लेंगे एट एच पे, कॉन्स्टेंट एच पे, एच क्या है यहाँ पे एंथैल्पी है, ठीक है, क्या है एंथैल्पी। सो लिखोगे वेयर डीटी ओवर डीपी, या फिर इसका एक काम करो इसको भी डेल में ही रिप्रेजेंट कर दो, इंप्लाइज का साइन लगा दो, डेल टी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज सेड टू बी जूल थॉमसन इफेक्ट, सॉरी जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसको ही क्या बोला जाता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहां तक आ गई हमारे पास में वाली टर्म, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं ये भी लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू जे टी, इससे क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां से देखो
आप इसके प्लेस में क्या पुट कर सकते हो, म्यू जे टी पुट कर सकते हो, तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, वन अपॉन सीपी, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, टी इंटू डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस के वी। ये क्या आ गया हमारे पास में, जूल थॉमसन कोफिशियंट आ गया। ठीक है, तो ये निकालेंगे किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए सबसे पहले वन मोल ले लो किसका, आइडियल गैस का, या सपोज फोर लिख देना, फोर वन मोल ऑफ अ आइडियल गैस। आइडियल गैस के वन मोल के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास में, PV इज इक्वल्स टू RT होती है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर को क्या ले लो, कॉन्स्टेंट ले लो, यहां पे लिख देना V है। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में, भाई प्रेशर तो कांस्टेंट है तो इसके अपॉन में लेकर के आ जाओ, तो वी का ही होगा, तो वी का करोगे कितना आ जाएगा, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल आएगी, आर टी और सॉरी आर अपॉन टी के इक्वल, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन, भाई आर तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है तो ये हमारे पास में आर ही रहा, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पी होता मल्टीप्लाई में, उसको हम कहा लेकर के आ गए, इधर डिवाइड में लेकर के आ गए। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दो आप, टी से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो नेक्स्ट लाइन में कर लेना, यहां से आगे देखो ऊपर एक बार नीचे का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ना लिया हो तो क्या करोगे, दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर हो जाएगी टर्म टी इंटू डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी और इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन पी हो जाएगा। हमें पता है पी वी किसके इक्वल होता है बच्चा, आर टी के, तो अगर हमें आर टी अपॉन पी की वैल्यू निकालनी हो तो ये किसके इक्वल होती है, वी के इक्वल होती है, तो टी इंटू डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वी के, इज इक्वल्स टू में वी है तो इधर की साइड लेकर के आ जाओगे क्या हो जाएगा, ये माइनस वी, तो यही से कर दू, ये माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारे पास में इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इस वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो क्या लिखोगे, देन देन फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ जूल थॉमसन, जूल थॉमसन का जो एक्सप्रेशन आया था, जो भी कोफिशिएंट था, उसमें जब आप वैल्यू को पुट करोगे, म्यू जे टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन सीपी, और यहाँ पे देखो टी डेल वी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस के बी, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसके बेस पे जब आप जीरो पुट करोगे तो म्यू जे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो क्या लिखोगे, हेंस जूल थॉमसन इफेक्ट, हेंस जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर अ परफेक्ट आइडियल गैस इज जीरो, यानी कि परफेक्ट आइडियल गैस के लिए जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको नोट्स चाहिए हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश में भी, तो आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। कॉस्ट होगी बच्चा कंप्लीट कोर्स की 98 रुपीज फॉर फिजिक्स, अगर आप केमिस्ट्री के लेना चाहते हो उसकी भी 98 है, बट अगर आप दोनों भी लोगे फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी, तो उस कंडीशन में आपको कॉस्ट पड़ेगी 158 रुपीज टोटल कोर्स की। उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सअप है 9389897616, इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है अपना नेम सेमेस्टर और सब्जेक्ट जिसके आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल
मिल जाएगी, क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ पे नॉट्स मिलेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, जो कि आप लोग नहीं करते हो तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है या नहीं। तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।